हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, दिल्ली में आतंकियों की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले आईपीएस अधिकारी कर्नेल सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियों की चौकसी की वजह से लगातार आतंकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कर्नेल सिंह ने पाकिस्तान की धरती से टेरर प्लान की पोल खोलकर रख दी। बाटला हाउस का के सिलसिलेवार धमाके हों या दिल्ली में इसके पहले भी सिलसिलेवार धमाके हों, आपने उन धमाकों की लगातार इंक्वायरी की और उनकी पोल खोली, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में अपना जाल बिछाता है यहां पर लोगों को फंसाने के लिए और अपना मकसद सॉल्व कराने के लिए। देखिए, जो कश्मीर में जो हमारी प्रॉब्लम चली आ रही है 1947 से, एक हमारे पोर्शन पे पाकिस्तान ने कब्जा भी कर लिया था 1947 में, उसके बाद से उनकी कोशिश रही है कि पहले कश्मीर में, फिर भारत के और पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें। 1970s के एंड में पंजाब में प्रॉब्लम क्रिएट की गई, एक पंजाब टेररिज्म उभरा पाकिस्तान की सपोर्ट से। उसके बाद 80s के एंड में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, बहुत सारे टेररिस्ट कश्मीर में आने लगे, मासेकर भी हुए लोगों के वहां पर, जो वहां के कश्मीरी पंडित थे उनको भागना भी पड़ा वहां से। इनिशियली जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही वो ये रही कि अपने यहां के लोगों को ट्रेनिंग देके भारत भेजा जाए डायरेक्टली लड़ने के लिए, जैसे कश्मीर में शुरू किया। लेकिन 90s में उन्होंने, उनकी जो पॉलिसी है वो चेंज हुई, उन्होंने रेजिडेंट एजेंट भेजने शुरू करे। रेजिडेंट एजेंट का मतलब है कि वो यहां आएंगे, इंडिया में किसी जगह सेटल होंगे, इंडियन सिटीजनशिप दिखा के, यानी कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे वेस्ट बंगाल से या किसी और जगह से, ये दिखाने के लिए वो भारत के रहने वाले हैं, फिर कहीं जाके बिजनेस शुरू करेंगे, उसके बाद शादी कर लेंगे यहां पर, एज इफ पूरी तरह से इंडियन आइडेंटिटी ले लेंगे, फिर वहां से पाकिस्तान से और लोग आएंगे और ये उनको शेल्टर देंगे, उसके बाद एक्सप्लोजिव आएगा, चीजें आएंगी, फिर ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करना शुरू करेंगे। ऐसा एक मॉड्यूल हमारी क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पुलिस की 98 में ब्रेक किया था, जिन्होंने 42 ब्लास्ट किए थे दिल्ली और उसके आसपास। फिर 9/11 हुआ, जो अमेरिका में ट्विन सेंटर अटैक हुआ था, उसके बाद पूरे दुनिया का एक दृष्टिकोण बदला टेररिज्म के ऊपर और यूनाइटेड नेशंस काफी स्ट्रिक्ट हुई देशों पर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एक यूनिट, वो भी काफी स्ट्रिक्ट हुई देशों पर। तो पाकिस्तान की जो ISI है उसने फिर ये प्लान किया कि बजाय पाकिस्तान के लोगों को भेजने के, इंडिया से लोगों को ल्योर किया जाए और उनको ट्रेनिंग करने के बाद यहां पर टेररिज्म कराया जाए। तो ये फेज जो है इंडियन मुजाहिदीन वाला फेज है वो इस पॉलिसी के तहत बना, और इंडियन मुजाहिदीन अल्टीमेटली 2008 के बाद धीरे धीरे उसका नष्ट होने लगी और आज की डेट में उनके बहुत ही कम लोग बचे हैं जो इंडिया में नहीं है। इंडियन मुजाहिदीन की रीढ़ की हड्डी जब आप लोगों ने तोड़ दी, तो मुझे लगता है कि 2009 के बाद से दिल्ली में कोई बड़ा बम धमाके नहीं हुए, तो आपका क्या मानना है कि दिल्ली में पिछले 12 साल से सब कुछ ठीक है, दिल्ली भगवान भरोसे है या हमारी एजेंसियों की सतर्कता है? देखिए, हमारी एजेंसीज काफी सतर्कता से काम कर रही हैं और दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने और NIA ने काफी लोग पकड़े हैं और IB ने उनको इंटेलिजेंस दी और हर इंटेलिजेंस पे इन्होंने काम किया है। तो 2008 के बाद भी काफी टेररिस्ट पकड़े गए हैं और इस चौकसी की वजह से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की वजह से ही जो है ब्लास्ट जो है कंट्रोल्ड होते हैं और टेररिस्ट सफल नहीं हो पाते हैं।